नमस्कार देवियो सज्जनों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। मैं मुकेश आरजानी आपका महसाणा से स्वागत करता हूं। अभी आपने देखा जिस ऑफिस में मैं काम करता हूं, वहां से मैं और मेरे साथी मेलिम जी निकल पड़े हैं। और आइए आज आपको हम महसाणा का थोड़ा और दर्शन करा दी जाए। मानव आश्रम करके एक जगह है, मानव आश्रम क्रॉसिंग बोलते हैं उसको, महसाणा में थोड़ा दूर है मेरे घर से। वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी और उस कंस्ट्रक्शन साइट में किसी लेबर ने सांप देखा, इसलिए अफरा तफरी थोड़ी हुई और धीरे धीरे फिर लोगों को पता चला और मुझे फ़ोन आया और मैं अपने बेलिम जी के साथ निकल पड़ा हूँ। आप दर्शन कर रहे हैं महसाणा की अलग अलग जगह का। रोड है, काफ़ी हाईवे है ये, और काफ़ी अच्छा हाईवे है, इसलिए हम जल्दी पहुँच जाएंगे, ये बात पक्की है। अब आपको मैं बताता हूँ, आज हम जो सांप देखने वाले हैं वो एक विशेष सांप है। इसको ट्रिकेट बोलते हैं, ट्रिकेट स्नेक। ट्रिकेट स्नेक नॉन वेनेमस अर्थात जहरीला नहीं है। इस कंस्ट्रक्शन साइट पे आप देखेंगे ईंटें पड़ी हैं और उन ईंटों के बीच में एक सांप है। सांप की पूंछ दिखाई भी दे रही थी, इसलिए वो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ और मैंने जाके सबसे पहले उसकी पूंछ पकड़ ली। लेकिन मित्रों, सांप शायद जो है वो डरा हुआ था, इसलिए उसको बाहर खींचने में मुझे तकलीफ़ हुई। मैंने थोड़ा जोर लगाया लेकिन वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी दिखी नहीं कि मैं खींच सकूँ। अब ज़्यादा जोर लगाएंगे तो सांप को आहत हो जाएगा, इसलिए वो तो हम नहीं करेंगे। इसलिए मैंने लेबर्स को बोला कि आप लोग धीरे धीरे यहाँ से ईंटें हटाना चालू करें ताकि जैसे ही स्पेस बने तो मैं सांप को निकाल सकूँ। तो आ गए हैं लेबर, अपना काम चालू किया है लेकिन डंडे से कर रहे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है। मैं जानता हूं कि ये जहरीला सांप नहीं है लेकिन उनको तो डर लगता है और लगना भी चाहिए क्योंकि हम लोगों को परिचय नहीं होता है अगर सांप का, तो उससे भय लगने में कोई बुराई भी नहीं है। जिसको पता है मेरे जैसे जो हैं उनको अपना काम करने में आसानी रहती है। तो मित्रों अब देखिए, मैंने पूंछ पकड़ के उसको धीरे धीरे अगर खींचना चालू किया तो वो वापस अंदर खींच जा रहा है। वो भयभीत है सांप, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है कि मैं आहत होने वाला हूँ, इसलिए वो वापस अंदर जा रहा है। इसलिए अब मेरे को ये ज़रूरी था कि मैं किसी तरह ये सारी ईंटें हटाऊं और इसको बचाऊं। अब आपके बारे में फिर से इस सांप के बारे में बताता हूँ मैं। ट्रिकेट सांप को गुजरात में रूप सुंदरी भी कहा जाता है। नॉन वेनेमस तो है ही लेकिन इसकी स्किन बड़ी सुंदर है और शायद इसीलिए इसको रूप सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। यह सांप जनरली साउथ एशिया में सब जगह पाया जाता है, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तक ये वाले सांप देखे गए हैं मित्रों। और नॉन वेनेमस होने के बावजूद भी, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं होता है, इसलिए इनको कई बार मार भी दिया जाता है और कई बार इसकी जो स्किन है, आप देखेंगे अगर कभी इसको गूगल में आप सर्च कीजिए तो बड़ी सुंदर स्किन है, अच्छी खासी डिजाइन बनी हुई है बॉडी पर। नाक की तरह नहीं कि टोटल ब्लैक जैसे होता है, वैसा नहीं है, स्किन बड़ी अच्छी है। तो कई लोगों ने इसको इसकी सुंदर स्किन के लिए भी मारा है। बहुत गलत है, ऐसा शिकार नहीं करना चाहिए मित्रों, ये प्रकृति के विरुद्ध है। क्योंकि अगर सांप कम हो जाएंगे तो अन्य जीवों का उपद्रव बढ़ेगा जिसको सांप खाते हैं। ये एक प्रकृति की चेन है और उसका यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मित्रों धीरे धीरे अब ईंट हटने लगी हैं और सांप मेरे हाथ में थोड़ा आने भी लगा है। वो कोशिश तो कर रहा है अंदर जाने की लेकिन मैं नहीं जाने दूंगा मित्रों। और जो मजदूर लोग हैं उन्होंने काफ़ी ईंट हटा दी है और मैं भी एक दो ईंट हटा के इसी कोशिश में हूँ कि बहुत जल्दी से सांप निकल जाए। क्योंकि अगर वो ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश करेगा और अगर मेरे हाथ से छूट गया तो फिर मुश्किल है उसको पकड़ना, फिर सारी ईंटें हटा के फिर से पकड़ना पड़ेगा। तो मित्रों हमारी कोशिश जारी है, ईंटें हट रही है मजदूरों के द्वारा, डंडे से एक एक करके ईंटें हटाई जा रही हैं और अब ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि ये सांप हमारे हाथ में आने वाला है क्योंकि काफ़ी कुछ बॉडी उसकी हमें अब दिखने लगी है। तो ईंटें हट चुकी हैं मित्रों और जैसे ही आप देखेंगे आज कि जैसे ही सांप उन ईंटों से मुक्त होगा तो एक जैसे स्प्रिंग छूटती है, वैसे स्प्रिंग जैसा उसका शेप बनके वो बाहर निकलेगा। वैसा ही
अन्य सांप जो छोटी बॉडी के होते हैं, नाक नहीं होता ऐसी छोटी बॉडी के, लेकिन ये छोटी है बॉडी, तो अन्य सांप भी इसी तरह जब अगर कहीं फंसे हुए हों तो ऐसे स्प्रिंग जैसा अपना शरीर बनाते हैं। तो मित्रों ये सांप बाहर आ चुका है, मेरे हाथ में है और मेरे पास आज तो डिब्बा भी है ही, तैयार है डिब्बा, लेकिन आज आप देखेंगे इस डिब्बे में डालना भी थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि उसको तो यही लगता है कि मैं फंसने वाला हूँ, जबकि हम तो उसको बचाने आए हैं। मित्रों तो कोशिश जारी है, पहले मैंने ट्राई किया डिब्बे में उसका फन डालने के लिए, लेकिन नहीं पॉसिबल हो पाया, शायद सांप लंबा है इसलिए, या उसको फिर इधर उधर जाने की ज़रूरत दिख रही है, वो भागना चाहता है और मैं उसको भागने नहीं दूंगा, उसको पकड़ के धीरे धीरे करके उसको डिब्बे में मैं डाल ही दूंगा, लेकिन मुश्किल है। आज वो आप देखिए भाग रहा है दूर की तरफ, डिब्बे से दूर की तरफ जा रहा है, शायद उसे ऐसा लग रहा है कि यह जगह ठीक नहीं है। तो मित्रों आप देखें, मैंने अपने स्कूटर के पास उसको लेके गया सांप को, और डिब्बा भी वहीं पे, और धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि सांप का फन किसी तरह अंदर चला जाए। सांप का फन अंदर जाते ही ये काम आसान हो जाता है। तो लीजिए, सांप का फन अंदर जा चुका है, अब ये काम आसान हो चुका है, धीरे धीरे करके यह डिब्बे में से पैक हो जाएगा और फिर मैं उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दूँगा। आज वीडियो के अंत में कुछ सेकंड का वीडियो जब मैं सांप को छोड़ता हूँ उसके नेचुरल हैबिटेट में, उसका भी मैंने लगाया है मित्रों, आप देखिएगा। और मेरे जैसे उन लोगों का आप सपोर्ट कीजिए जो सांप को बचाते हैं, और उसको बचाने में हमारा सहयोग कीजिए। धन्यवाद।